अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, वेल एंड गुड होंगे। तो आज का व्लॉग आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि प्रेगनेंसी के हवाले से बात होगी और यहाँ पर और 7 मंथ स्टार्ट हो चुका है। 7 मंथ के हवाले से आपसे बात की जाएगी, पिछली जो भी आपके साथ जो भी जर्नी है वो शेयर करूँगी। हमारे माशरे का एक कुलमिया है कि जो ससुराल होते हैं जहाँ पर नई नई बेटी ब्याह कर जाती है, तो फिर वहाँ कहा जाता है अगर उसे प्रेगनेंसी हो जाए तो कहा जाता है। इस तरह के बहुत सारे ससुराल होते हैं 99%। इसके अलावा जो 1% जो होते हैं लोग, वो बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। और जो जब ब्लड की कमी हो जाती है तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि आप कलेजी खाएं, उससे जल्दी खून बन जाता है। तो यहाँ पे बन रही है कलेजी का सालन बन रहा है और सिंपल मेरी रेसिपी होती है। मैं कोई इतने ज़्यादा घुमा फिरा के रेसिपीज़ नहीं बनाती और बिल्कुल झटपट वाली रेसिपी होती है। प्याज फ्राई किए, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसके बीच में जितने भी मसाले होते हैं, टमाटर का पेस्ट हो गया, टमाटर की प्यूरी हो गई या जो जितना भी टमाटर होता है बारीक कटा हुआ होता है, ऐड करके और यहाँ पर बन जाएगा मसालेदार सी कलेजी का ग्रेवी वाला सालन। क्या होता है कि हम लोग ज़ीरे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा खुशबू पैदा करता है सालन और ग्रेवी वाले इस तरह के जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं उसके बीच में, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। और दूसरा, आप लोगों के साथ मैं सौंफ का भी बताऊँगी कि सौंफ कम इस्तेमाल किया करें। जिन लोगों को मैदे का ज़्यादा मसला होता है वो ज़्यादा सौंफ इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा लोग चाय वगैरह में भी उसे पीते हैं एज अ मसाले के तौर के ऊपर, लेकिन क्या होता है कि इससे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करता है और इससे मतलब के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। तो ये ठंडी होती है, इसकी तासीर ठंडी होती है, तो इस वजह से बिल्कुल भी सौंफ का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि रोज़ रोज़ आप चाय के मसाले के बीच में यूज़ करें। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो कर रहे होते हैं यूट्यूब पर, तो इसका बतौर ख़ास मसाला भी बना हुआ होता है कि चाय मसाला। खाने से फारिग होने के बाद हम लोग चले गए थे शाम की चाय पी के बाहर पार्क की तरफ। तो यहाँ पे हमने पार्क में थोड़ी बहुत वॉक की और बच्चों ने थोड़ा सा इन्जॉय किया। मेरी छोटी सी जो बेटी है, आप लोगों को पता ही है, एक ही मेरी बेटी है और 7 मंथ की, जहाँ मैंने आप लोगों के साथ प्रेगनेंसी की बात की है, तो ये मेरी सिस्टर की प्रेगनेंसी के हवाले से बात करी, उनके सिम्टम्स और उनका जो भी रहा है इस पूरे उसमें उनकी जर्नी रही है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पर मैंने पार्क में बहुत ज़्यादा लोगों को देखा जो वॉक करने आई हुई थी, प्रेगनेंट वुमेंस भी बहुत ज़्यादा वॉक करने के लिए आई थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसे हालात में लोग नहीं बाहर आते इतना ज़्यादा कि वो उनका लास्ट मंथ चल रहा था, क्योंकि डॉक्टर्स उनको बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर देते हैं कि आप लोग वॉक करें, तो फिर पार्क की सबसे अच्छी जगह होती है जहाँ पर इस तरह की प्रेगनेंट वुमेंस आके वॉक कर सकती है। प्रेगनेंसी की जहाँ तक बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो फर्स्ट आपके 2, 3, 4 मंथ होते हैं उसके बीच में आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना होता है। उसके बीच में हर किसी को कम से कम, वो काम करती हैं लेडीज़, इतना ज़्यादा काम का बर्डन नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि आप कोई अनोखा बच्चा तो पैदा नहीं कर रही ना, आप ये सब काम करेंगी, चाहे आप घर के काम करें, बाहर के काम करें, आपने सारे काम करने, आपने रेस्ट बिल्कुल नहीं करना। प्रेगनेंसी कोई बीमारी थोड़ी है, प्रेगनेंसी तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी है, इसमें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर इस तरह की जो लेडीज़ होती हैं फिर वो सारे काम काज करके और अपनी प्रेगनेंसी को बिल्कुल ख़राब कर लेती हैं, अपनी जान को भी दाव पे लगा लेती हैं। तो उनके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है और किस किस की प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, वो भी आप लोगों ने मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में शेयर करनी है। फुल प्रेगनेंसी हर लेडीज़ को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, चाहे वो घर का अच्छा बना हुआ सालन क्यों ना हो, फ्रूट क्यों ना हो, दूध क्यों ना हो, मिल्क, इस तरह की जो सब चीज़ें होती हैं वो एक प्रेग्नेंट औरत के लिए ज़रूरी होती हैं। तो फिर इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए मर्द हजरात को और ससुराल वगैरह को, उनको सब चीज़ें जो है औरत को प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर उसको कोई तकलीफ़ होती है, कोई मसला होता है या फिर उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, तो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए और उसका इलाज करवाना चाहिए और उसको वो तमाम गजाएं देनी चाहिए जिसकी वो हकदार है। 7 मंथ स्टार्ट हो चुका है और मैंने आप लोगों को बताया था कि ना इसके मैं सिम्टम्स वगैरह आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या इसमें होता है। हर किसी की प्रेगनेंसी होती है ना वो डिफरेंट होती है, मेरी डिफरेंट प्रेगनेंसी थी, दूसरों की डिफरेंट होती है, हर किसी का ना अलग अलग ना टेस्ट होता है। किसी को बिल्कुल जो होता है खाने पीने के मामले में मीठा बिल्कुल पसंद नहीं होता और किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और किसी से सालन वगैरह इस तरह की ग्रेवी वाली चीज़ें
गोश्त मीट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं खाई जा रही होती, महक सी आ रही होती है। हर किसी की प्रेगनेंसी के जो होते हैं सारी चीज़ें वो अलग होती हैं, और किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, किसी को बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, और किसी को इतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं होती है। उनकी मतलब कि जो प्रेगनेंसी होती है वो सही सही चल रही होती है, और किसी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, चाहे आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी हो चाहे आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी हो। यहाँ तक मैंने सुना है डॉक्टर से कि अगर सेकेंड प्रेगनेंसी होती तो उसके बीच में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, मतलब कि सेकेंड थर्ड, फर्स्ट में इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में ख्याल नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा काम करेंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, जो बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ना मदर के लिए अच्छा होता है, तो क्या होगा, इससे आपकी प्रेगनेंसी को मतलब कि कॉम्प्लिकेशंस आएंगी और प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, सही तरीके से वो सारी गिजाएँ नहीं लेंगे जो डॉक्टर ने रिकमेंड की हुई होती हैं, जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और माँ के लिए भी, तो इससे क्या होगा कि आप प्रॉब्लम में आएंगे और लास्ट में आपका केस बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपके अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपको वीकनेस रह सकती है। दूसरा, आपका ब्लड का बहुत ज़्यादा ख़तरा हो जाता है, ज़्यादा काम काज करने की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से। काफ़ी सारी लेडीज़ को जो होती है प्लांट सेट है वो लो लाइन में चली जाती है, जिसकी वजह से उनको ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग होने की वजह से अगर ब्लड ही कम होगा तो फिर वो आपके जिस्म में और बच्चे को क्या मतलब कि उसकी न्यूट्रिशन मिलेगी प्रोवाइड करेगा, तो बच्चे की जान को भी खतरा हो जाता है और माँ की जान को भी खतरा हो जाता है। इस तरह की कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लेडीज़ का ब्लड कम हो जाता है, उनका कोई 7, 6, 5, अगर किसी को यरकान है, अगर किसी को काला पीलिया है, तो उसकी वजह से भी मैंने देखा कि बहुत सारी लेडीज़ का 5 पॉइंट तक ब्लड होता है। तो उस पर डॉक्टर्स क्या रिकमेंड कर रही होते कि आप ब्लड लगाएं, आप इस तरह के एनीमिया के जो इंजेक्शन्स होते हैं वो रिकमेंड करती हैं, वो बगैर रिकमेंडेशन के डॉक्टर्स के सजेशन के बगैर आपको कोई भी नहीं लगा सकता हॉस्पिटल में। तो ये आपकी फ़ाइल देखी जाती है और फिर लगते हैं। चलें जी, आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में। मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में आप लोगों के साथ। इस तरह के बहुत से अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के लिए आएंगे। मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में आप लोगों के साथ। तो तब तक के लिए अपनी बहन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।